कि देवी देवता किस प्रकार कृष्ण से भिन्न है, और ईश्वर का प्रमाण फिर हमें किस प्रकार मिला था कि शब्द प्रमाण के माध्यम से शास्त्र हमें बोलते हैं, जहाँ पे अलग अलग जगह पर भगवत गीता में वर्णन आया श्री भगवान उवाच, जिसमें भगवान कहकर भगवान को संबोधित किया गया है। पहले सत्र में हमने देखा था कि भगवान जो कि सुप्रीम कंट्रोलर होना चाहिए, तो वो भगवान किस प्रकार समस्त जीवों को कंट्रोल में करके चल रहे हैं। सभी देवी देवताओं ने कृष्ण को सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया था। हमने ब्रह्मदेव की स्तुति का वर्णन किया था, किस प्रकार ब्रह्मदेव ने कहा था ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मदेव के बाद शिवजी ने स्वीकारा था कि कृष्ण ही सर्वोपरि है। शिव पुराण में आता है, हे उमा कहू तुम्हें अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। और उसी प्रकार शिव जी के जो अवतार हुए हैं श्रीपाद शंकराचार्य जी, उन्होंने भी भज गोविंदम के माध्यम से कृष्ण को सर्वोपरि माना था। कहा था भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम ई संसारे खल दुस्तारे कृपा है पाहे पाहे मुरारे। तो मुरारी की कृपा हम सभी को लेनी है, हम सभी को भगवान कृष्ण की कृपा के माध्यम से आगे बढ़ना है, ताकि हमारे जीवन के जो क्लेश हैं, जिस विषय से हमने ये जर्नी, ये जो हमारी यात्रा शुरू करी है, समस्याएं कैसे समाधान कर सके, वो एकमात्र हमें थोड़ा हिंट मिला कि मुरारी कृपा से हम कर सकते हैं, लेकिन कैसे वो आगे हम समझ सकेंगे। और सभी समस्त देवताओं के साथ साथ भगवान कृष्ण ने भी स्वयं को स्वीकारा है कि मैं ही सर्वोपरि हूँ। फिर हमने गीता के माध्यम से कुछ श्लोकों के माध्यम से हमने समझा था कि भगवान ने कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। भगवद गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, जो कि वर्णित करता है कि कृष्ण ही सर्वोपरि है। तो समस्त देवी देवता, समस्त शास्त्र, स्वयं कृष्ण बोल चुके हैं कि कृष्ण ही सर्वोपरि है, कृष्ण से बढ़कर और कोई नहीं है, और वही शरण लेने के योग्य है। तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि कृष्ण ही सर्वोपरि है, कृष्ण ही भगवान है, और उन्हीं की शरण में हमें लेना है, आगे लेके आगे उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करना। यहां तक किसी का कोई प्रश्न है पिछले सत्र में जो हम ना समझ पाए हो, या कोई अगर मेरे बताने में समझ में कोई अगर त्रुटि आई हो? चलिए, आप सभी मेरे साथ हैं, इसका मतलब धन्यवाद। तो आज का विषय आत्म साक्षात्कार। वास्तव में आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है अपने को पहचानना, मैं कौन हूं। अब इसके लिए हम अगर कोई व्यक्ति आपस में मिलते हैं बहुत दिनों बाद, या कोई ऑफिस में हम सभी का यह अनुभव रहा है, हम लोग कोई नया व्यक्ति कोई अगर हमारी टीम में ज्वाइन करता है, तो उस व्यक्ति का इंट्रोडक्शन कराया जाता है। इंट्रोडक्शन के माध्यम से सब टीम के बारे में बताया जाता है, हु ही इज, उसका क्या, वो कौन है, वॉट हिज रोल भी, उसका क्या रोल है इसमें। तो जब उसे पूछा जाता है कि हु आर यू, हु इज ही, तो उसको बताया कि मेरा नाम फला फला है, मेरा नाम मनोज है, या मेरा नाम इस प्रकार है। तो मेरा नाम मनोज है, तो इसमें वो कहता है, या फिर मैं मनोज हूँ, या फिर उसे बोला जाता है कि अच्छा आपका नाम मनोज, फिर उसके बारे में फर्दर आगे उसके बारे में पूछा जाता है कि किस प्रकार आप अपने जीवन अपने बारे में बता सकते हैं, तो अपने बारे में पूरी हिस्ट्री बताना शुरू करता है। लेकिन कहीं भी उसमें ये जो भी चीजें वो वर्णन करता है, किस प्रकार उसका नाम मनोज है, वो उसका 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 प्रोफाइल ये है, और वो इस प्रकार की जॉब्स ताल्लुकात रखता है, जितनी भी चीजें वर्णित होती हैं, वो सारी चीजें एक समय पर बदली जा सकती हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार अगर हम शुरू करें मेरा नाम मनोज है, तो कुछ ऐसे सिस्टम जो हमारा समुदाय है, वहां पर अगर कोई अपना नाम बदलना चाहे तो एक एफिडेविट या कुछ सरकारी दस्तावेज को रख के अपना नाम बदल सकता है। 10वीं की मार्कशीट पे लोगों के जो नाम होते हैं वो बदले जाते हैं बाद में, अगर किसी को नाम चेंज करना हो अपना, तो नाम अपना बदल सकता है। उसी प्रकार अगर जो बताता है कि मेरा प्रोफाइल ये है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो आज वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कल के समय में हो सकता है परिस्थिति वश या किसी कारणों से उसे अपना प्रोफाइल चेंज करना पड़े, तो कर सकता है। कुछ एक अलग से कोई विषय पढ़ के
उस विषय के बारे में अत्यधिक जानकारी लेके, उस विषय के संबंधित जानकारी लेने के बाद अपने 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 प्रोफाइल को बदल सकता है, अपने घर के पते को बदल सकता है कोई व्यक्ति। अगर कोई उसमें पता है मैं इस जगह पर रहता हूँ तो मेरा ये पता है। यहाँ तक कि आज के समय में तो इतना साइंस ने और विज्ञान ने उत्पादन उत्थान कर लिया है, कोई अपने लिंग तक को बदल सकते हैं, जो कि आज के समय में देखते हैं कई लोग अपने उस परिवेश में रहते हैं। तो वास्तव में हम जिस चीज से अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं या जिस चीज से अपने को बताते हैं कि मैं ये हूं या मैं इस प्रकार कि मेरा परिचय ये है, वो सारे विषय ऐसे हैं जो कि बदले जा सकते हैं एक समय के अंतराल पे, परिस्थिति के अनुसार, और उस समय और वातावरण के अनुसार कोई बदलना चाहे तो इस समाज में, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, इस समाज में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से मैं अपना पूरा आइडेंटिटी बदल सकता हूँ। कई बार हमने फिल्मों में भी देखा होगा कुछ लोग टेररिस्ट लोग होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने पासपोर्ट में पूरा A to Z अपना पूरा सब कुछ बदल सकते हैं, एक पूरे इंसान का व्यक्तित्व पूरा चेंज हो सकता है। तो जो चीज बदल रही है क्या वास्तव में वही मेरा आत्म परिचय है? कुछ जो चीज ऐसी है जो मेरे अंदर नहीं बदल रही है, जिसको मैं कहता हूं कि नहीं वो चीज शुरू से बचपन में भी थी मेरे साथ, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब भी मेरे साथ वो चीज रही, जब और थोड़ा बड़ा हुआ तब भी मेरे साथ वो चीज रही, जिस कारणों से बचपन की कुछ यादें अभी भी ताजा है मेरे अंदर, कुछ चीज ऐसी है जो नहीं बदली है जिनके कारण से मैं बचपन की अपनी किसी घटना को अभी भी याद रखा हुआ हूँ, अभी भी मुझे ऐसी कुछ परिस्थितियां याद हैं आज से 10-20 साल पुरानी जो मेरे साथ घटी है, मुझे याद है, बदली नहीं है, वो क्या चीज हो सकती है आपके विचार से? कोई भी इसमें अगर बताना चाहे। शर्मा नहीं किसी तरह का भी, क्योंकि हमने जैसे पहले डिस्कस किया ये एक इंटरेक्टिव सेशन है, एक दूसरे से सीख के हमें आगे बढ़ना है। तो जो आपके मन में ऐसा तो विचार हो जो मैं ना जानता हूँ या आप मेरे से सुनना चाहते हैं, हम आपस में एक दूसरे से चर्चा करके आगे बढ़े तो ज्यादा उसमें सीखने की वो रहती है किसी प्रकार का भी। जी प्रभु जी, क्या सवाल है मुझे? सॉरी था एक सेकंड के लिए। हाँ प्रभु, प्रश्न ये था कि कोई ऐसी चीज है हमारे अंदर जो बदल रही, जो नहीं बदल रही है, जिसके कारण से मुझे अपने बचपन की अनुभूतियां, थोड़े समय पुरानी की अनुभूतियां अभी भी याद हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि कोई चीज ऐसी जो हमारे अंदर, हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा है, हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा। धन्यवाद प्रभु जी। और कोई वॉलंटियर कोई बताना चाहे? तो खाने के प्रति हमारा लगाव नहीं छूट रहा वैसे। खाने के प्रति हमारा, वो प्रभु स्वभाव का एक पार्ट हो गया कि हमारा स्वभाव है कि मैं तीखा खाता हूँ, या मेरा स्वभाव है कि मैं खाता हूँ, लेकिन आपने अच्छा दिया कि खाने के प्रति जो मेरी रुचि है, जो मेरी रुचियां हैं, जो मेरी हॉबीज है, वो नहीं बदल रही। धन्यवाद। और कोई किसी प्रकार का एग्जाम्पल जो आप समझते हो ना बदल रहा हो, जो बिल्कुल वैसा ही हो जैसे बचपन में था और अभी भी? वही हरे कृष्ण प्रभु, हमारी इच्छाएं जो है वो नहीं बदल रही है। हमारी इच्छाएं हर हम जो इच्छा करते हैं वो हर बार जो है हम उसकी तरफ लालायित रहते हैं, हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो रही हैं। धन्यवाद प्रभु। इच्छा का थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा हमने करी थी प्रभु की, इच्छा जो है वो हर परिस्थिति में हमारी बदलती है। अगर पिछले फर्स्ट सत्र में रहे हो, जब हम बचपन में थे तो हमारी इच्छा थी कि हमें खिलौने मिल जाए तो उससे हम प्रसन्न हो जाएंगे। जब बड़े हुए तो थोड़ी पढ़ाई की इच्छा जागृत हुई, कुछ लोगों को जो MS कर ले उनकी इच्छा होगी वो PhD कर ले, तो इच्छाएं प्रतिपल बदल रही हैं, लेकिन जो इच्छा करने वाला जो सोर्स है, स्वभाव है, वो स्वभाव नहीं बदल रहा है। मतलब हमारी जो मांगने की प्रवृत्ति है वो कह सकते हैं कि शायद नहीं बदल रही। क्या व्यक्ति करते कि मेरी जो इच्छा की मैं कुछ अगर इच्छा करूंगा मांगूंगा तो वो मेरा ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है इच्छा का, लेकिन मैं जो इच्छा करने वाला स्वयं है वो चेंज नहीं हो रहा। क्या आप एग्री करते हैं? हाँ, वो चेंज नहीं होगा। धन्यवाद। तो मैं कौन हूँ, तो इससे परिभाषा निकल। जी कोई कुछ मैं ना? एक हाँ जी, मैं मैं कुछ बोलना चाहती थी। मेरा नाम कीर्ति है। मैं ये कह रही थी कि जो आप बोल रहे हैं कुछ भी नहीं बदल रहा, मेरे ख्याल से
हमारे माता पिता नहीं बदल रहे, चाहे वो इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, हम उनको हमेशा अपने माता पिता ही कहेंगे। चाहे मैं कोशिश भी कर लूँ मैं अपने माँ बाप को मतलब बदल लूँ या कुछ उनको चेंज कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता, वो हमेशा वही रहेंगे जो थे। धन्यवाद माता जी। तो हमारा जो शारीरिक रिलेशनशिप है, जो अगर हम मोटे दृष्टिकोण देखें रिलेशनशिप, तो माता पिता का जो आपने उदाहरण दिया, कई बार ऐसे इसको हम रिश्ते की संज्ञा दे सकते हैं कि हमारे रिश्ते नहीं बदल, लेकिन इसको भी अगर हम देखें माता जी एक दृष्टिकोण से, तो रिश्ते भी हमारे हर समय बदल रहे हैं। इस प्रकार जैसे मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे आसपास रहने वाले मेरे माता पिता थे, मैं उनके साथ रहता था, जीवन जीता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे आसपास, जब मैं कॉलेज चला गया तो कॉलेज में जाने के बाद मेरे रिश्ते मेरे दोस्त बन गए। तो वहाँ माता पिता भले ही मेरे माता पिता हैं, लेकिन मेरा जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है, मेरे दोस्तगण उनके साथ जुड़ गए, मेरे और लोग मेरे साथ जुड़ गए, तो मेरे रिश्तों में बदलाव आ गया। कुछ ऐसे दोस्त बन गए, इतने पक्के दोस्त बन गए जो मित्र से बढ़कर हो गए, भाई के समान हो गए। जब थोड़ा और बड़ा हुआ, मेरी शादी हो गई, जब शादी हो गई तो मेरे जीवन में एक और व्यक्ति का परिवेश हुआ, जिसे धर्मपत्नी का परिवेश हुआ, अब मेरा रिश्ता उसके प्रति जागरूक हो गया, एक और रिश्ता मेरा बदल गया। उसी प्रकार अगर हम एक स्त्री के जीवन से करें कि जिस प्रकार उनके माता पिता बचपन में थे, उन माता पिता के बीच में खेल कूद के बड़े हुए, लेकिन जब शादी होकर ससुराल गई तो ससुराल जाने के बाद माता पिता बदल गए। अब माता पिता, अब उनको उस दृष्टिकोण से हमें देखना है जो हमारे सास ससुर। तो बदलाव का यहाँ जो विषय है, चर्चा है माता जी, इसमें यह है कि हमारे रिश्ते भी बढ़ते हैं, एक्सपेंड होते हैं। मतलब जो चीज नहीं बदल रही है, जो एकदम एज इट इज है, वो क्या चीज है, उसको जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्या आप एग्री करती हैं माता जी इससे? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही बोला, मैंने ये सोचा ही नहीं था। मुझे लगा कि माता पिता कभी बदल नहीं सकते, पर आपने जैसे बोला कि परिस्थितियां बदलती हैं तो रिश्ते भी बदलते हैं और हम लोग बना लेते हैं। बिल्कुल सही बोला, ऐसे ही हुआ हमारे जीवन में भी, ऐसा ही हो रहा है जी। धन्यवाद, सही होता है। और जब जी तो धन्यवाद आपका भी बहुत। तो इसी प्रकार तो हमारे जीवन में हर कुछ जो है वो बदल रहा है, और इस बदलाव के बीच में हम लोग, और ये इतना सूक्ष्म स्तर पे बदल रहा है कि हमें पता ही नहीं लगता है कि हम कहाँ से कहाँ से कहाँ आ गए। तो आज का जो विषय है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ का चर्चा ये है कि हम वास्तव में मेरा स्वभाव क्या है जो चीज नहीं बदल रही है। तो यहाँ एक छोटा सा नोट जो लिखा हुआ है, वहां पे ये लिखा है कि आपके अंदर आत्मा नहीं है, अपितु आप स्वयं ही आत्मा है, आपका शरीर स्थाई है। तो अभी तक जो प्रभु जी ने, जनक प्रभु ने बोला हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा है कुछ न, ये स्वभाव, तो स्वभाव की चर्चा जो हमने करी थी, स्वभाव आता कहाँ, स्वभाव अर्थात धर्म। तो धर्म अर्थात कि वास्तव में जो मेरा स्वभाव है, ये जो मेरी परिस्थितियां हैं, ये किस कारण से आई, क्योंकि मैं जो मेरा स्वभाव है वो शास्त्र हमें बताता है। अब तक हम मान चुके हैं कि शास्त्र हमारी माता के समान है, और शास्त्र अर्थात भगवद गीता के माध्यम से हमें सीखने को मिला है। भगवान ने बताया, भगवान कौन, भगवान श्री कृष्ण, जो हमने पिछले सत्र में देखा, श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से ये बताया है कि वास्तव में जीव का स्वरूप जो है वो एक आत्मा है। तो आप, मैं, हम सभी जीव जो हैं, हम सभी एक अणु आत्मा के समान है, जिसने ये शरीर धारण कर रखा है, जो कभी नहीं बदल रहा है। बचपन से लेके अभी तक जिस कारण से मेरे स्वभाव में अंतर नहीं आ रहा है, जिस कारण से मेरी सोचने की या प्रवृत्ति में अंतर नहीं आ रहा है, या किसी वो चीज वास्तव में वो आत्म तत्व है जो कि इस शरीर के अंदर विद्यमान है। इस शरीर रूप से जुड़ी हुई हर वस्तु बदल रही है, चाहे वो मेरा नाम हो, या बदल सकती है, चाहे वो मेरा नाम हो, चाहे वो मेरे रिश्ते हो, चाहे वो मेरा परिवेश हो, मेरी आइडेंटिटी, मैं अपना पूरे शरीर से संबंधित पूरी मेरी आइडेंटिटी को बदल सकता हूँ। लेकिन वो जो तत्व मेरे अंदर आत्म तत्व है, जिसके कारण मेरा स्वभाव चिरस्थाई है, वो नहीं बदल सकता हूँ, वही मेरा असल स्वभाव स्वरूप है, जिसे चिदानंद रूप में चिदानंद भगवान श्री कृष्ण ने भगवद्गीता माध्यम से बताया कि आत्मा है। अब इस आत्मा का थोड़ा सा हम सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले प्राणी हैं, सब कुछ वैज्ञानिक स्तर पर समझना चाहते हैं। तो वास्तव में अगर हम वैज्ञानिक परिस्थिति समझे कि आत्मा की उपस्थिति के क्या क्या साक्ष्य रहे हैं। अब हमने तो बोल दिया कि आप आत्मा हो, अब आप माने ना माने आपकी आपकी मर्जी है। आपको वैज्ञानिक स्तर पर कोई समझाया जाएगा तो ही तो आप समझेंगे, कोई थोपने वाला ज्ञान तो है नहीं है। और भगवद गीता ने शास्त्रों के आधार पर जो अगर हम जो शास्त्र की चर्चा करते हैं, क्या प्रूफ है इसका, आप प्रश्न कर सकते हैं इसका।
तो क्या प्रूफ है आप कह रहे हैं आत्मा? तो उसके लिए ये कुछ तथ्य हैं, कुछ साक्ष्य हैं जो यहाँ हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सामान्य बोध, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस के माध्यम से हम लोग ये समझ सकते हैं वास्तव में कि मैं ये शरीर नहीं हूं। कम से कम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान ने जन्म लिया और जन्म लेके जब उसने कुछ अपना जीवन जिया, हमारे सभी के जीवन में अनुभव रहे होंगे, जन्म लेने का जीवन जिया, जीवन जीते जीते जब उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद सभी लोग ये चर्चा करते हैं अच्छा आदमी था, चला गया। यही वाक्य जो है अच्छा आदमी था चला गया, ये भारत में भी बोला जाता है, ये पेरिस में भी बोला जाता है, ये यूएसए में भी बोला जाता है, इंग्लैंड में भी बोला जाता है। He is a good person, he has gone now, he is no more. कौन चला गया? वो तो वहीं पड़ा है। जिस शरीर को संबंधित देख के हम लोग समझ रहे थे कि ये वो आज व्यक्ति है, या इस समय जो आप मेरा शरीर देख रहे हैं सामने आपके बैठा है, क्या यही मेरी पहचान है? जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि वास्तव में हमारी पहचान नहीं है। तो अगर हम कॉमन सेंस लगाएं, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें, तो कॉमन सेंस के माध्यम से हमें पता लगता है कि जिसको हम कह रहे हैं चला गया, वो वास्तव में किसम कह रहे हैं? वही आंख, वही नाक, वही कान, मुंह, हाथ पैर, वही शरीर की कदकाठी वाला इंसान जमीन पे पड़ा है, लेकिन कुछ तो चीज ऐसी है जो उसके अंदर थी, चली गई। अब वो चीज क्या है? उस चीज की संज्ञा आत्मा से दी जाती है कि वास्तव में उसको जो चलाने वाला जो जो, जो शक्ति थी, कई लोग इसे शक्ति बोलते हैं, कई लोग एनर्जी बोलते हैं, कुछ लोग इसको अलग अलग नाम संज्ञा देते हैं। भगवत गीता के अनुसार हमें पता लगता है वास्तव में वो आत्मा है। आत्मा जब तक इस शरीर में रहती है तब तक ये शरीर देखता है, सुनता है, समझता है, विचार पैदा करता है और अलग अलग कार्य करता है जिसका हम लोग अनुभव करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अभी आप लोग घर के अंदर बैठे हैं, घर के बाहर आप सभी की गाड़ियां, कार वार सब खड़ी हुई है, पार्क है अपनी जगह पर, अपने आप वो नहीं चलेंगी। जब तक उसके अंदर बैठ के चलाने वाला उसे नहीं जाएगा, उसे चलाएगा नहीं, तब तक वो गाड़ियां, चार पैरों वाला जो डिब्बा बाहर खड़ा है, वो खड़ा ही रहेगा। उसी प्रकार ये शरीर जो है ये तब तक चलायमान नहीं होता है जब तक इसको चलाने वाला वो आत्मा रूपी ड्राइवर इसके अंदर आके नहीं बैठ जाता। ये कॉमन सेंस हम समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम और दृष्टिकोण अपनाएं, मृत्यु के समीप होने का अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, ये कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं जैसे कि यहाँ कुछ मैंने चित्रण दिए हैं नीचे आपके, नियर डेथ, एक ऑपरेशन थिएटर पे किसी का ऑपरेशन चल रहा है, रिकलेक्शन ऑफ डेथ, ये एक आर्टिकल लिखा गया था मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और इनके जो रचयिता थे माइकल बी सबॉम करके एक MD हुए हैं, डॉक्टर हैं, जिन्होंने इस पर रिसर्च करी है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं। कई लोग का ECG बिल्कुल फ्लैट हो जाता है मृत्यु के समय, लेकिन आधे घंटे बाद अपने आप उठ के बैठ जाते हैं और अपने जीवन का पूरा वर्णन करते हैं उस आधे घंटे में क्या हुआ उनके साथ। तो जो ये जो वैज्ञानिक हुए हैं माइकल बी सबॉम, इनके बारे में आप और ज्यादा पढ़ सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। इन्होंने कई ऐसे आर्टिकल लिखे हैं और अपने एक्सपीरियंस से इन्होंने उस पर आर्टिकल में लिखा है कि कई ऐसे लोगों का वर्णन हुआ है कि ये लोग किस प्रकार से इन्होंने हवा में उड़ते हुए अपने शरीर को देखा, वो जो कि बिस्तर पे पड़ा हुआ था या ऑपरेशन थिएटर के टेबल पे पड़ा हुआ था, और वहां से हम अपने शरीर को देख रहे थे कैसे डॉक्टर उसके साथ चीरफाड़ कर रहे थे। और मैंने इस तरह के उपकरण, कई वैज्ञानिकों ने जो तो LED लाइट्स भी लगाई हैं ऑपरेशन थिएटर में, जिससे कि ये जो व्यक्ति अगर पुनर्जीवित होता है तो बताए कि इसने कुछ LED लाइट जैसा कुछ देखा। तो ऐसे कुछ लोगों ने बताया है कि मैंने एक चमकती हुई लाइटें देखी हैं। इसे कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। और इसी की पुनर्संज्ञा दी जाती है वो भी शरीर के बाहर होने का अनुभव, जो दूसरा तीसरा पॉइंट है कि इसमें क्या होता है, कई बार हम मृत्यु को अपने नजदीक आके देख के अपने शरीर को अपने को अपने से शरीर से अलग पाते हैं। और इन सब की चर्चा जो हुई है वो चर्चा डॉक्टर माइकल सबॉम ने करी है वैज्ञानिक स्तर पे। इनके कई ऐसे पेशेंट हुए हैं जिन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, और वाकई में सच साबित हुआ। पूर्व जन्म की स्मृति, पूर्व जन्म जिसे हम कहते हैं री इनकारनेशन, कई लोगों को अपने पिछले जन्म भी याद है, तो कोई एक ऐसी चीज है जो उनको बदलने नहीं दे रही है, जो कि ये बता नहीं रही है कि जो कि उनके पिछले जन्म की बातें भी अभी तक याद है कुछ लोगों। तो इससे संबंधित जो वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर आयन स्टीवेंसन, उनका भी आर्टिकल आप नीचे देख पा रहे हैं कि बॉर्न अगेन
इन्होंने बहुत ही प्रचलित वैज्ञानिक हैं। अगर आप वैज्ञानिक स्तर पे देखना चाहें तो इन आर्टिकल्स को आप समझ सकते हैं कि के माध्यम से कि वास्तव में हमारे शरीर में कोई ऐसी तत्व है, शक्ति है जो कि बदल नहीं रही है और मृत्यु के बाद भी नहीं बदलती है, तभी पुनर्जन्म की स्मृतियां रहती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने पिछले जन्म के माता पिता याद हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अपने पिछले जन्म में कहां पे वो रहते थे, किस मोहल्ले में, किस गली में, किस शहर में रहते थे, वहां पे लेके जब गए तो वहां पे बिल्कुल वही चीज पाई गई जो कि उन्होंने वर्णन किया था। तो ये जो स्मृति है, ये स्मृति का स्मृति अभाव अर्थात कि भूलना जिसे कहते हैं, स्मृति भ्रम जिसे कहते हैं, ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कोई ऐसी चीज जो हमें भूलने नहीं दे रही, जो इस जीवन में हमें ध्यान रहता है कि इस जीवन में भी हमें अपने बचपन की बातें याद है। लेकिन कुछ व्यक्तियों की स्मृति इतनी तीव्र होती है या उन पर भगवत कृपा होती है, जो भी कारण हम समझे, वो उनको अपने मृत्यु के बाद का जीवन और पहला जीवन भी याद रहता है। ऐसे 2000 पेशेंट, ऐसे 2000 वैज्ञानिक जो कि व्यक्ति की स्टडी डॉक्टर आयन स्टीवेंसन ने करी, जिनको अपने पुनर्जन्म की बातें याद थी और बाद और वो जब वहां पे गए, वहां पर उन्होंने उस चीज को प्राप्त किया। तो आत्मा की उपस्थिति के ये कुछ साक्ष्य हैं, इसे हम समझ सकते हैं कॉमन सेंस के माध्यम से और की और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की, मैं कम से कम शरीर नहीं। तो शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं जब तक हैं, जब तक मैं संसार में हूं, जब इस संसार से शरीर छूटेगा तो सारी चीजें ही रह जाएंगी। तो मेरा स्वभाव क्या है? अब वास्तव में हम जो शरीर को लेकर काम कर रहे हैं वही हमारे दुखों का कारण है, यहाँ थोड़ा सा हमें समझ में आता है। क्योंकि मैंने अपने को शरीर समझा और शरीर को समझ के पशुग्रत जीवन जीना शुरू किया, सिर्फ खाना पीना, सिर्फ एंजॉय करना, खाली समय में बस अपने जीव अपने अपने इंद्र तृप्ति करना या पैसे कमाने की होड़ में लग जाना, इस शरीर के बारे में तो हमने सोचा था उसका, और इसीलिए हमारे जीवन में कष्ट आए, इसीलिए हमारे जीवन में दुख आए। आत्मा के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। मैं स्वभाव के विपरीत निरंतर भाग रहा हूँ, मेरा जो स्वभाव है उसके उसके एकदम अपोजिट में चल रहा हूँ और अपेक्षा ये कर रहा हूँ कि मैं सुखी रहूंगा। कहां तक की समझदारी है बताइए? जब तक मैं अपने स्वभाव के अनुकूल नहीं चलूंगा, जब तक मैं अपने स्वभाव के अनुसार नहीं चलूंगा, जो मेरा मेरा खुद का मेरी जो एग्जिस्टेंस, जो मेरा खुद की जो उपस्थिति का जो मेन मूल कारण है, जो मैं स्वयं हूं, जब तक मैं खुद अपने लिए देख जाऊंगा तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता, तब तक सुख की कल्पना भी बेकार है। सुख आएगा, जैसे माता जी ने पहले सत्र में बोला था, किसी माता जी ने कि सुख आता है लेकिन फिर चला जाता है, तो वो टेम्पररी सुख हमें नहीं चाहिए, हमें परमानेंट सुख चाहिए जो कभी खत्म ना हो। तो ये इसकी पहली सीढ़ी है, आत्मा भगवत गीता का जो ज्ञान है उसकी पहली सीढ़ी, या जो आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है, अपने स्वरूप को समझना, वास्तव में मेरा स्वरूप आत्मा है, मैं ये शरीर नहीं हूं। अब हमारे आत्मा की शरीर की संरचना किस प्रकार हुई है, ये थोड़ा सा हम इस पे चर्चा करते हैं। कैसे हम लोग कह तो रहे आत्मा है लेकिन वास्तव में देखने में तो हमें शरीर दिखता भी तो है, ये क्या चीज है? तो शास्त्रों के अनुसार वर्णन आता है, हमारे शरीर की रचना तीन कवरिंग है हमारे शरीर के, हमारे ऊपर। पहली कवरिंग जिसे कहा जाता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसमें हम सभी काफी लोग जानते भी होंगे उसको, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी तत्व हमारे अंदर है, किस प्रकार जब शरीर जल जाता है तो ऐश या कुछ जो राख रह जाती है बस वहां पर, तो जो राख है वो पृथ्वी का संबोधन करता है। जल, जल हमारे अंदर 72% जल है, ये विज्ञान भी वर्णन कर चुका है। खून, प्लाज्मा हमारे अंदर जो बहता है वो जल के तरल पदार्थ की वजह से बहता है, तो जल हमारे अंदर है। अग्नि, अग्नि भी हमारे अंदर है, किस प्रकार जब बुखार हो जाता है तो हमारा शरीर तप जाता है एकदम, जब बुखार नहीं होता तब भी जो हमारे शरीर का तापमान है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, 0 डिग्री कभी नहीं होता। 0 डिग्री मतलब कोई तापमान नहीं, कोई अग्नि नहीं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो बोला गया है वो बोला गया है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड।
जो कि मैं अगर थोड़ी गणना इसमें गलती होगी, लेकिन 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जिसमें बोला गया है, इसमें इसका मतलब थोड़ी अग्नि हमारे अंदर है, अग्नि का तत्व भी है। वायु, पांच प्रकार की वायु हमारे शरीर के अंदर रहती है, जिसमें अपान वायु, समान वायु, हमारे जो श्वास लेते हैं या जो मल त्यागते हैं, ये सभी में पांच प्रकार की वायु का योगदान रहता है। और आकाश, आकाश मतलब कि ईथर यानी कि वैक्यूम, जो अंदर जो हमारा वैक्यूम, किस प्रकार अगर हम शरीर के अंदर देखें तो ये वैक्यूम का तत्व भी हमारे अंदर है। तो ये पांच प्रकार के तत्व जो इससे शरीर बना है, इसको हम ऊपर की कवरिंग देखते हैं, नीचे चित्रण में हो रहा है यहाँ पर। इस शरीर के पीछे होता है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर अर्थात जो कि तीन तत्वों से बना है, मन, बुद्धि और अहंकार। मन, ये तीनों चीजें दिखती नहीं है, कोई कहे कि मुझे मन दिखा दो या बुद्धि दिखा दो। मन से सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से सूक्ष्म अहंकार है, इन दोनों सूक्ष्म अहंकार है। सूक्ष्म अर्थात माइन्यूट, इसको देख नहीं सकते लेकिन होता है। कुछ लोग कहते हैं आज मेरा मन नहीं कर रहा कुछ खाना बनाने का, आज मेरा मन नहीं कर रहा है वहां जाने का। मन कहाँ है, कहाँ दिखता है वो? कोई ऑपरेशन अगर करा जाए तो क्या मन को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी उपस्थित है। बुद्धि को हम देख सकते हैं। कोई कहता है, कोई अगर बहुत अच्छा मेधावी छात्र है, इसने सारे प्रश्नों के उत्तर 10 मिनट में कर दिए, तो कहते हैं अरे बड़ा बड़ा बुद्धिमान छात्र है। उसकी बुद्धि दिख नहीं रही है लेकिन फिर भी है। उसी प्रकार अहंकार, जो अहंकार जीवों में होता है कि मैं कौन हूं, मैं इस देश का राष्ट्रपति हूं, मैं इस परिवार का मुखिया हूं, तो ये जो मैं रूपी अहंकार है ये भी हमारे अंदर विद्यमान होता है। तो इन तीन तत्वों से मिलके जो शरीर बनता है उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो हम सभी का स्थूल शरीर भी है, हम सभी का सूक्ष्म शरीर भी है। अब इन दोनों शरीर के पीछे हम बैठे हुए हैं। वास्तव में हम जो आत्मा है ये तीन तत्वों से बनी है, सत, चित, आनंद। सत अर्थात सत्य जो कभी ना मिटे, चित अर्थात जिसको कभी पराजित ना किया जा सके, और आनंद जो हमेशा आनंद में रहे। तो ये तीन तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, तीन तत्वों की जो हमारा स्वभाव है, सत, चित, आनंद है, जो कि हमारा असल स्वभाव है, जिसने इस आवरण को पकड़ रखा है। दो तरह की कवरिंग जिसे धारण कर रखी है, वो आत्म तत्व हम स्वयं हैं। अब जब तक हम इस शरीर को अपना समझते रहेंगे, तब तक इस शरीर को मिलने वाले समस्त दुख हमारे दुख होंगे। जैसे ही हमारी स्थिति हम ऐसी हो जाएगी, हम अपने को आत्म तत्व समझने लगे, तो शरीर को मिलने वाले कष्ट नहीं लगेंगे। हालांकि कष्ट होंगे लेकिन उनसे लड़ने की शक्ति आ जाएगी। तो भगवत गीता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान से हम यही सीखने जा रहे हैं, कैसे हम डिस्ट्रेस सिचुएशन में या प्रॉब्लम सिचुएशन में, जब हमारी समस्याएं हमारे जीवन में आई हैं, उनसे हम लड़ सकें। क्यों ये ज्ञान जरूरी है? ये ज्ञान इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अकारण ही दुखी होकर घूम रहे हैं संसार में। जिस कारण से दुखी होना चाहिए वो कारण तो हमें ज्ञात तक नहीं है। वो कारण क्या है, किस प्रकार आत्मा को भोजन दिया जाए, कैसे आत्मा को प्रसन्न रखा जाए। लेकिन इस शरीर तुल्य जीवन में शरीर को समझ के जो हम आगे बढ़ रहे हैं, यही हमारे जीवन के दुखों का कारण है, जो कि पंचभूतों से बना है और ये पंचभूतों में विलीन हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर भी हमारा स्वभाव नहीं है, ना मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार। वास्तव में मेरा स्वरूप एक आत्मा है। तो ये हमारे अस्तित्व की संरचना इस प्रकार हुई है। सभी जीवों, हम सभी जीवों, जितने भी संसार इस समय कॉल में है, जो कॉल में नहीं भी है, आप सभी, हम सभी इन्हीं तत्वों से बनके तैयार हुए। अब आत्मा के बारे में भगवान के शब्द क्या हैं? भगवान क्या बताते हैं कि आत्मा क्या है? कि ये तो हमने थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, थोड़ा कॉमन सेंस से हमने समझा कि वास्तव में आत्मा है और आत्मा हमारा स्वभाव आत्मा है। लेकिन इस चीज की पुष्टि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी करी है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में वर्णन करते हैं, दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में। दूसरा अध्याय जो है गीता का सार कहा जाता है, और उसमें जितने भी हमारे वर्णन श्लोक आए हैं उसमें यही वर्णित है, भगवान ने स्वभाव बताया इंसान का कि क्या उसका स्वभाव है। तो पहला जो श्लोक यहाँ पर लिखित है वो है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा
तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। अगर मोह को प्राप्त हो गए तो दुखी हो जाएंगे, समस्या आने लगेंगी। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कैसे दुख से बचा जाए। भगवान ने बताया जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा बाल्यावस्था से होता हुआ युवावस्था और युवावस्था से होता हुआ प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से होता हुआ वृद्धावस्था में प्रवेश करता है और फिर शरीर त्याग करके पुनः दूसरा शरीर धारण करता है, तो ये उसी प्रकार परिवर्तन है जिस प्रकार उसी प्रकार है जिस प्रकार उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो हमें इससे किसी प्रकार भी विचलित नहीं होना चाहिए। तो हमने इसे चर्चा शुरू करी थी किस प्रकार हमें अपने बचपन की कुछ बातें याद हैं, क्योंकि इस चित्र में अगर आप देखें तो एक आत्म तत्व हमारा जो स्वभाव है आत्मा है वो नहीं बदल रही है, ऊपर की कवरिंग हम बदलते जा रहे हैं और जब मृत्यु हो जाएगी तो एक नया कवरिंग मिल जाएगा। तो यही भगवान ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में वर्णन किया है। दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संन्याति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन शरीर धारण करता है। अब यहां मैं आपको दो चित्र दिखाने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं किस प्रकार हम वस्त्र बदलते हैं। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं वस्त्र हूं तो क्या वो समझदार कहलाया जाएगा? उस व्यक्ति के वस्त्र जो हैं वो स्वयं नहीं है, उसने उस वस्त्र को धारण किया हुआ है। वही चीज भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो वास्तव में अभी तक हम जो सभी मूर्खता करते आए हैं, मूर्खता क्या है कि हमने वस्त्र को समझ रखा है कि यही मेरा स्वरूप है। वास्तव में वस्त्र जिस शरीर में होता है उसका स्वरूप धारण कर लेता है। तो गलती हमसे ये हो रही है कि हम उस वस्त्र को खुद को समझ बैठे, लेकिन वास्तव में हम वस्त्र नहीं है, हम वो शरीर है जिसने उस वस्त्र को धारण कर रखा है। और इसका एग्जाम्पल नीचे वाले चित्र में है। अगर ये व्यक्ति डूब रहा है तो क्या इस व्यक्ति के वस्त्रों को बचाया जाएगा कि इस व्यक्ति को बचाया जाएगा? ये मेरा प्रश्न है आपके लिए। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसके वस्त्रों को बचाने के लिए हम व्यक्ति को धन्यवाद धन्यवाद आपका बहुत जी, व्यक्ति को बचाया जाएगा, वस्त्र को नहीं बचाया जाएगा। तो फिर वस्त्र के लिए इतने चिंतित क्यों हम? वास्तव में हमारा स्वरूप जो है वो जीव तत्व का आत्मा है और यही इसका वर्णन मिलता है कि हम हमेशा उसी को इम्पोर्टेंस देते हैं, देते आए हैं, लेकिन सूक्ष्म से उसी को समझ नहीं पाए हैं कि वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है। तो हम उस व्यक्ति को बचाने जाएंगे ना कि उसके वस्त्रों को। तो लेकिन हमसे जो मूर्खता हो रही है, भगवान कह रहे हैं कि हम वस्त्रों को स्वयं को समझ बैठे हैं। तो यहाँ भगवान 22वें अध्याय में 22वें श्लोक में यही वर्णन करते हैं। 23वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लद्यन्तपात्यापो न शोष्यति मारुतः। ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है, अर्थात ये कभी मारा नहीं जा सकता, इसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, अर्थात हमारी कभी मृत्यु नहीं होती। हम सिर्फ शरीर बदलते हैं, हम सिर्फ शरीर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम कपड़े बदलते हैं, हम सिर्फ शरीर बदल के दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं, इसलिए शोक का कोई कारण नहीं। तो आत्मा खंड खंड क्यों नहीं किया जा सकता? शास्त्रों में पद्म पुराण वर्णन आता है इसका। आत्मा का जो साइज है, ऐसा नहीं कि आत्मा दिखती नहीं, आत्मा का अपना एक साइज भी है। आत्मा का साइज बताया गया है
कि अगर आपके बाल का अग्रभाग किसी आपके सिर के बाल का अग्रभाग लिया जाए और उस भाग को 10,000 भागों में विभाजित कर दिया जाए तो उन 10,000वां भाग जो होगा वो आत्मा का साइज है। तो बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर आत्मा होती है जो कि हृदय स्थान में रहती है। इतनी छोटी आत्मा जिसको कि ना कोई शस्त्र खंड खंड कर सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। वो आत्मा रूपी तत्व जो है इस शरीर के अंदर हृदय स्थल में स्थापित है। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नित्यवेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव नभिष्याम सर्वे व्यमतः परमा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो या ये सारे राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता है ये, देखिए इसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, और अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या आप ना रहे हो, हम सभी संसार में रहे हैं, विद्यमान रहे हैं, हमारे कपड़े अलग थे, बस हमने शरीर अलग अलग धारण किए हुए थे, उन शरीर बदलते बदलते अब वो शरीर हमने प्राप्त किया जो जिसमें हम अभी इस समय विद्यमान हैं, और आगे भी नए कपड़े बदलेंगे आने वाले शरीर समय में। तो इससे व्यथित नहीं होना कि इस प्रकार हमारा अगर स्वभाव है वास्तव में मैं मेरी मृत्यु नहीं हो रही है, भगवान से कह रहे मैं सिर्फ शरीर बदल रहा हूं। लेकिन फिर भी इतने ज्ञान के बाद भी जनरली क्या होता है कि ज्यादातर व्यक्ति जो है वो इस शरीर के ही देख रेख में लगे रहते हैं। इस प्रकार ये चित्र यहाँ पर आप देख रहे हैं, किस प्रकार ये माता जी अंदर बैठे पक्षी को खाना देने के बजाय बाहर का पिंजरा साफ करने में लगी हुई है, पिंजरे को चमकाने में लगी हुई है, पिंजरा चमक जाए, पिंजरे को साफ सुथरी रहे, भले ही अंदर बैठे पक्षी को भोजन ना मिले। तो यही प्रकार इसी मूर्खता के अंदर हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम दुखी आ जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि पिंजरा ही सब कुछ है, वो पक्षी कुछ नहीं है। तो उस पक्षी को अगर भोजन नहीं मिलेगा तो पक्षी एक दिन अपना जीवन छोड़ देगा या उड़ जाएगा उस मौका पाके उस पिंजरे से। तो हमें ये मूर्खता नहीं करनी, शरीर जो है पिंजरा है और उसके बैठे अंदर जो पक्षी है वो आत्म तत्व हम स्वयं हैं। वास्तव में हमें अंदर बैठी आत्मा जो हमारी स्वयं आत्मा है उसके लिए कार्य करना है। वही भगवद गीता, वही समस्त शास्त्र वर्णन करते हैं कि आप आत्म अपने अपने स्वभाव को समझिए, तभी आप जीवन के कष्टों से दूर हो सकते हैं, तभी जीवन की एक ऐसे सुख की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जब आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, और कष्ट हो भी तो उससे आप लड़ सके। अगर हम इस शरीर को पिंजरा ही समझे बैठे रहेंगे तो कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। अब हमारे पास जीवन बहुत थोड़ा है, किसी का पता नहीं, किसी का 100 साल है, किसी का 90 साल है, किसी का 80 साल है, कोई 30 साल में चला जाता है, कोई 40 वर्ष में चला जाता है। तो हमें पता ही नहीं है कि हमारा शरीर कब समाप्त हो जाएगा, कब हमें ज्ञान लेंगे, कब समझेंगे, कब उसके साथ जीवन जीना शुरू करेंगे। तो इसको समझने के लिए कथा आती है शास्त्रों में, लोमश मुनि हुए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं। लोमश ऋषि जो थे वो वास्तव में उन्होंने वर्णन किया है कि ये जो जीवन है हमारा, ये जीवन उनका जो उनकी जो मृत्यु की अवधि उनको वरदान मिला था कि जब उनके शरीर के सारे बाल झड़ जाएंगे तब उनकी मृत्यु हो, ये ब्रह्मदेव से उनको वरदान प्राप्त था। अरे कितनी लंबी उनकी मृत्यु है, और एक बाल झड़ने की अवधि जो है वो ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर है। ब्रह्मा जी जो ब्रह्म वर्ष है, जो शास्त्र वर्णन आता है, इसकी चर्चा हम आगे और डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी की जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ, ब्रह्मा जी का एक दिन पृथ्वी के एक दिन के बराबर नहीं है। ब्रह्मा जी का एक दिन जो है पृथ्वी पे गुजरने वाले 1000 चतुर्युग, एक चतुर्युग के अंदर आता है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों को मिला के जो समूह बनता है उसे बोलते हैं एक चतुर्युग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस समय कलयुग चल रहा है। चुप रहो बेटा, सुनने दो। उसी प्रकार जो ऐसे जब चार चतुर्युग मिलते हैं, ऐसे चार युग मिलते हैं, कई चतुर्युग बोलते हैं, ऐसे जब 1000 चतुर्युग मिलते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाता है। देखिए कितना लंबा ब्रह्मा जी का एक दिन है,
और उस एक दिन जब पूरा हो जाएगा तब लोमश ऋषि का एक बाल झड़ेगा, उतनी ही लंबी उनकी रात होती है। मैं प्रार्थना करूंगा माता जी, जिनका म्यूट ना हो फोन म्यूट कर ले थोड़ा सा। उतनी लंबी उनकी रात होती है, ऐसे इतनी लंबी अवधि के बाद उनके बाल झड़ जाएंगे तब उनकी मृत्यु। एक दिन वो तपस्या कर रहे थे तो देखिए कितनी लंबी उनकी उम्र होगी। तो उनके जो एक दिन वो तपस्या कर रहे थे गर्मी में, तो उनके शिष्यों ने देखा कि हमारे गुरु महाराज गर्मी में तपस्या कर रहे हैं, तो चले उनके लिए झोपड़ी बना देते हैं ताकि वो आराम से तपस्या कर सके। तो लोमश ऋषि के लिए जब झोपड़ी बनाई जा रही थी, तो लोमश ऋषि ने अपने शिष्यों से पूछा कि क्या कर रहे हो ये? तो देखा कि हम आपके लिए झोपड़ी बना रहे हैं ताकि आपको धूप में बरसात में परेशानी ना हो, किसी प्रकार कष्ट का सामना ना करना पड़े। तो लोमश ऋषि उनको बोलते हैं कि ये जो जीवन है ये बहुत क्षणभंगुर जीवन है, ये किसी समय भी समाप्त हो सकता है। इसके लिए ये टेम्पररी जो हम जो व्यवस्थाएं करते हैं इनके लिए इसके लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें इस जीवन की असल समस्या जो उससे लड़ने के लिए अपने स्वभाव को समझना है और फिर उसके लिए कार्यरत करना है शास्त्रों के अनुसार। अब आप बताइए कौन व्यक्ति बोल रहा है कि ये टेम्पररी जीवन है? वह व्यक्ति बोल रहा है जिसकी मृत्यु उसके शरीर के सारे बाल झड़ने के बाद होगी, और एक बाल झड़ने की अवधि ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर है, जो पृथ्वी के हजार चतुर्थ के बराबर। वो व्यक्ति बोल रहा है कि जीवन की अवधि क्षणभंगुर है, जीवन किसी समय भी समाप्त हो सकता है। तो हमारी उनके सामने क्या बिसात है? हमें तो यही नहीं पता कि हमारा जीवन कितना है। तो इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं कि हमें शीघ्र जितना शीघ्र हो सके हमें प्रयास करना है और अपने को भक्ति में, अपने को आत्म तत्व के ज्ञान में लगा देना है। हम अब तक जो बात सुनते आए हैं इस आत्मा के स्तर को हम कैसे और आगे समझ सकते हैं? जैसे कि आप ये देखें पीछे एक बहुत अच्छी सीनरी है। अब इस सीनरी को दो पहलुओं से अगर देखा जाए, अगर कोई एक वीडियो कैमरा लगा दिया जाए तो वीडियो कैमरा जो है, अगर हम देखेंगे शरीर ही अगर हम हैं और शरीर के माध्यम देख रहे हैं, तो आंखें अगर देख रही है तो किसी भी अच्छे चित्र को देख के हमारे अंदर जो स्फूर्ति होती है, जो हमारे अंदर विचार आते हैं या जो सेंसेशन होता है या हमारे अंदर जो रियलाइजेशन होती है, जो अनुभव आते हैं, वो एक किसी रोबोट के अंदर या किसी मशीनी उपकरण के अंदर नहीं आ सकता। तो मशीनी उपकरण के अंदर आने का स्वभाव वो तभी हो सकता है जब उसके अंदर सहानुभूति हो, थोड़ा बहुत उसके अंदर ऐसे विचार हो जो कि उस सुंदर वस्तु का अवलोकन कर सके। कैमरा हो गया या कोई रोबोट हो गया या कोई मशीनी उपकरण हो गया, वो सिर्फ एक किसी चीज का चित्रण कर सकते हैं लेकिन उसके बारे में वर्णन नहीं कर सकते। उसी के विपरीत हम लोग जो हैं, स्वभाव हमारा स्वरूप जो है, हम जब किसी सुंदर व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु विशेष या किसी जगह विशेष को देखते हैं तो उसका वर्णन कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं और सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो अगर हम ये शरीर होते, अगर हम ऐसे मशीनी उपकरणों वाला शरीर होता तो हमारे अंदर अनुभूति की शक्ति कहाँ से आ रही है? ये शक्ति आती है आत्मा के कारण, आत्म तत्व के कारण। और इसकी जागृति हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने जीवन के इस कलमश को दूर कर सकते हैं और आत्म तत्व को बढ़ा सकते हैं? और अपने अब तक तो हमने सुन लिया कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन अभी भी क्या है कि मेरे अंदर विचार कुछ गूंज रहे हैं, आप सभी के अंदर गूंज रहे होंगे, नहीं मैं तो शरीर हूँ, मेरे ये सब है, मैं कैसे एकदम स्वीकार कर लूँ? ये कारण ये एकदम से नहीं समझ पाएंगे कि हम आत्म तत्व हैं। खाली आधे घंटे की कक्षा में आप नहीं समझ सकते। धीरे धीरे मन को प्रयास करना पड़ेगा, धीरे धीरे मन पे झाड़ू लगानी पड़ेगी, रोज उसे समझाना पड़ेगा कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, वो आत्मा है। और उसका प्रयास कैसे कर सकते हैं? शास्त्रों के माध्यम से कृष्ण ही उसका सहारा है। कृष्ण का नाम का जप करके हम धीरे धीरे अपने मन को, अपने स्वभाव को साफ कर सकते हैं। ये जो मंत्र यहाँ अंकित है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार आप अनम्यूट कर लें आप सभी और मेरे साथ साथ एक बार इस मंत्र को दोहराएं। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे हरे। धन्यवाद। अब आप पुनः म्यूट कर सकते हैं। तो इस मंत्र के माध्यम से जो कि वर्णन आता है शास्त्रों में कि धीरे धीरे जब इस मंत्र की झाड़ू हमारे शरीर पे चलेगी, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है जो हमें ये ऐसा एहसास कराएगा कि मैं वास्तव में आत्मा हूँ और मैं शरीर नहीं, और मुझे इस शरीर के लिए कार्य ना करके आत्मा के बारे में विचार विमर्श करना शुरू करना है। किस प्रकार मैं तभी मैं सुखी होने की कगार पे पहुंच सकता हूँ और मैं सुख का अनुभूति कर सकता हूँ, अन्यथा और कोई चारा नहीं है। तो आगे आने वाले सत्रों में, आगामी सत्रों में जो हम पढ़ेंगे, तो हम अपनी कक्षा का प्रारंभ जो है इस मंत्र से शुरू करेंगे। हम थोड़ी देर 2 मिनट या 3 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, भगवान के नाम का जप करके फिर हम अपनी कथा को प्रारंभ करेंगे। और आपसे मेरी विनती है कि अपने जीवन में इस मंत्र को अपनाएं। ये जो भगवान के नाम का सहारा अगर हम लेंगे और 5 मिनट 10 मिनट जितना भी समय आपको मिलता है अपने दिनचर्या में रोज इस मंत्र का आप जाप करिए, इसमें भगवान कृष्ण और राम नाम में उतनी ही शक्ति है जितना स्वयं कृष्ण में और स्वयं राम में शक्ति है। तो इन्हीं विचारों के साथ आज का सत्र मैं यही विराम देता हूँ। और अभी तक का जो हमने आज पढ़ा, जो रिकैप थोड़ा सा मैं उसका 2 मिनट में करने का प्रयास करूंगा, किस प्रकार हमने समझा कि वास्तव में मेरा जो स्वरूप है वो आत्मा है और मैं शरीर नहीं हूँ, और इसको हमने अलग अलग दृष्टिकोण समझने का प्रयास किया। सामान्य बोध कॉमन सेंस के माध्यम समझा कि मैं वास्तव में आत्मा हूँ क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। अगर मैं शरीर होता तो मृत्यु के बाद शरीर भी चला जाता, क्योंकि शरीर वहीं पड़ा रह जाता है, आत्मा चली जाती। उसी प्रकार कई वैज्ञानिकों के बारे में हमने सुना, माइकल सबॉम, डॉक्टर आयन स्टीवेंसन, जिन्होंने अपने शोध कार्य में यह प्रस्तुत किया कि वास्तव में जीव जो है, जो जो, जो मनुष्य है उसकी आइडेंटिटी उसके शरीर से अलग हटके है। तो उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस या पुनर्जीवन रीइंकार्नेशन के बारे में अपने कई दस्तावेज प्रस्तुत किए जिनके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। फिर भगवान भी पुष्टि करते हैं, वैज्ञानिक स्तर पे हमने समझा कि हम आत्मा है, भगवान ने भी पुष्टि करी है भगवद गीता के 2 अध्याय में, नैनम छंदंती शस्त्राणी नैनम चैनल पावका, अर्थात ना उसे अग्नि जला सकती है ना मुझे कोई हो सकता है, और चिरचिरकाल से वो व्यक्ति जो स्वभाव है कभी बदल नहीं रहा है। तो स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में स्वीकारा है कि मेरा स्वभाव जो है वो आत्मा है, मैं शरीर नहीं। हमने कॉमन सेंस से समझा, भगवान द्वारा समझा, फिर हमने आगे उसकी आत्मा का विवेचन देखा, किस प्रकार आत्मा तीन शरीरों से बनकर बनी है। ये शरीर जो हमारा है उसको स्थूल शरीर ने कवर कर रखा है, स्थूल शरीर के पीछे सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म के पीछे हम स्वयं बैठे हुए हैं। तो हमारे ऊपर 2 कवरिंग है, स्थूल शरीर की जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बनकर बनी है, सूक्ष्म शरीर की जो कि मन बुद्धि अहंकार से है जिसने हमारे सच्चिदानंद स्वभाव को ढक रखा है। कैसे इसका उजागर होगा? धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सीचत सौ घड़ा ऋतु आए फल हुए। एकदम से नहीं होगा, एकदम समझ नहीं आएगा। अब महाराज वर्णन गाते हैं, माली 100 घड़े सींचता है तब जब ऋतु आती है तब फल होता है। तो धीरे धीरे हमें इस मंत्र के माध्यम भगवान के नाम की शरण लेनी है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को जब हम धीरे धीरे जपेंगे, भगवान के नाम का सहारा लेंगे, तो हम आत्मा के ज्ञान तक पहुंच सकते हैं और अपने जीवन कल्याण कर सकते हैं और समस्याओं से दूर रह सकते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रश्न का समय है, कोई प्रश्न आपके को डिस्कस करना चाहें, कोई बात मेरी ना समझ में आई हो, कुछ मैंने अगर गलत बोला या आपके विचार कुछ और हो, तो इस समय हम 10-15 मिनट का विचार विमर्श कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक सवाल है जी प्रभु। जो हमारा शरीर है स्थूल शरीर पंचभूत, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश और कौन सा है? पांच जी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु और ये 5 वैसे प्रमुख तत्व बोले जाते हैं, वैसे 24 तत्व इसके वर्णन है शरीर के ऊपर। पांचवा कौन सा है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वैक्यूम ईथर कहते हैं उसे इंग्लिश में रूम। तो आकाश किस क्या होता है? आकाश अर्थात वैक्यूम अर्थात ईथर, हमारे शरीर के अंदर आकाश तत्व कैसे, जो आकाश की गहराइयां हैं
उसी प्रकार मन की गहराइयां और जो शरीर के हम समझते हैं किस प्रकार अंदर घोरतम अंधकार है और वैक्यूम है उसकी संज्ञा उसे मिलती है। ओह आई सी। पृथ्वी, पृथ्वी हो गया ऐश, जो जलने का ऐश रह जाता है, जल हम सभी जानते हैं, अग्नि हमें पता है, ताप रहता है शरीर में, वायु है हमारे अंदर, पांच प्रकार की वायु है, और आकाश तत्व, आकाश की जो गहराइयां हैं, जो हमारे विचार गहराई, जो 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 गहरेपन का अनुभव करते हैं या जो वैक्यूम का अनुभव शरीर के अंदर वैक्यूम रहता है, वो आकाश का रिप्रेजेंटेशन। तो ये पांच थिंग हमको खत्म कर सकती है कोई भी मोमेंट में, मतलब ये पांच तत्वों से बनके शरीर बना है, और ये जब शरीर जल जाता है तो ये पांचों चीजें उन पांच भूतों में मिल जाती है जाके। जरूर, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? नीरज प्रभु जी, कोई प्रश्न आपका? हरे कृष्ण प्रभु। नहीं, प्रश्न ऐसा कुछ नहीं है। वो पिछली बार एक प्रभु थे, उन्होंने विष्णु और कृष्ण के बारे में कुछ पूछा था, उस बार उन्होंने कुछ पूछा नहीं, कुछ वो इज इट क्लियर अबाउट दैट? और मींस अब मतलब कि हम लोग उसके बारे में, मुझे आज लग रहा है कि शायद प्रभु जी आज आए नहीं हैं, अजय प्रभु थे, तो आज हमारे बीच में एक हमारे नए सदस्य हैं जो मुझे दिख रहे हैं, रविंद्र किशोर प्रभु। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है रविंद्र प्रभु। आप कहाँ से जुड़े हैं हमारे सत्र में? नमस्कार, मैं सियाटल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अरे मेरा ये प्रश्न है जी, कि मन के अंदर आस्था कैसे बनाए जाए? धन्यवाद। तो ये हमारा जो ये चर्चा चल रही है, ये मन से आस्था को हटाने की है। वास्तव में मन जो है, मन बुद्धि और अहंकार, ये हमारे शरीर को जहां पे मैं आपको प्रश्न समझ पाया, आपने पूछा मन को कैसे हम आस्था बना सकते हैं मन को, तो यही आपका प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मन में भगवान के लिए प्यार कैसे बढ़ाया जाए। अच्छा, सॉरी प्रभु, मैं समझ नहीं पाया। तो मन में किस प्रकार हम जागृत करें भगवान के प्रति प्यार? तो जैसा मैंने कहा प्रभु कि सबसे पहले तो इसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है, आदो श्रद्धा, श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। किसके प्रति श्रद्धा? हम पिछले सत्र में पढ़ चुके हैं, पिछले दो सत्र हमारे, जैसे आप चौथे सत्र में जुड़े हैं हमारे, लेकिन हमने जो दूसरे सत्र में चर्चा करी थी, क्या भगवान में श्रद्धा करनी चाहिए, क्या भगवान वास्तव में है, है तो किस चीज में श्रद्धा करें? तो पहला स्टेप जो है श्रद्धा है, श्रद्धा किस में? शास्त्रों में, जो भगवान के बारे में वर्णन करें। जिस प्रकार हमें अगर अपने पिता के बारे में जानकारी लेनी हो, तो आपके विचार से किस में हमें श्रद्धा होनी चाहिए जो सही सही जानकारी दे सके हमारे पिता के बारे में? आप किसे समझते हैं कि अगर मुझे अपने पिता के बारे में जानना हो तो मैं किससे पूछूंगा? चलिए मैं बताता हूं, ये प्रश्न का हमने उत्तर दिया था, अगर हमें अपने पिता के बारे में जानकारी लेनी हो तो हमें अपनी माता से पूछना है कि मेरे पिता कौन है, तो मुझे अपनी माता में श्रद्धा है। तो उसी प्रकार अगर हमें अपने मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत करनी है, तो हमें शास्त्रों को स्वीकार करना पड़ेगा श्रद्धा से, कि वास्तव में शास्त्र ने जो लिखा है वो सत्य है, उसमें उनकी बातों में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो धीरे धीरे, जैसे हमने आज लिखा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ को, माली सीचत सौ भड़ा ऋतु आए, तो धीरे धीरे जब आप शास्त्रों के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे और आप भक्तों का संग करेंगे, जैसे आप अगर इस क्लास में बने रहेंगे जो हमारा ये सेशन चल रहा है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, और आगामी सत्रों में जुड़े रहेंगे, तो आपको धीरे धीरे कुछ ऐसे टूल टिप्स पता लगेंगे जिसके माध्यम से आप मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत कर सकते। आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा? हाँ गुरु जी, धन्यवाद। या हरे कृष्ण। रविंद्र किशोर जी, नीरज बोल रहा हूँ। नीरज, जैसा प्रदीप प्रभु ने कहा कि श्रद्धा कैसे होगी, पहले तो ये एक चीज, एक ऐसी चीज है जो भगवान की कृपा से आती है, और जब हम ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि हमें ये लगने लगता है कि हाँ ये सत्य है, जब हम उसको मानने लगते हैं, जब मुझे हमें जब मुझे विश्वास हो जाता है कि हाँ यही सत्य है, तब उसके प्रति श्रद्धा अपने आप से अंदर से पैदा होती है। और ये जब हम, ये जब हमें समझ में आता है, वो तब समझ में आता है जब कुछ ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं, कुछ ऐसे अनुभव हमें होते हैं कि हाँ हमें भगवान के होने का आभास होता है।
तो श्रद्धा जो है अंदर से अपने आप फूटने लगती है, बिकॉज जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि आत्मा जो है वो उसको अपने होने का एहसास जब हो जाता है, जब हम अपने होने का एहसास होता है तब वो श्रद्धा अपने आप आती है, और वो धीरे धीरे जैसे हम सत्संग करते रहेंगे वो विश्वास हमारा बढ़ता रहेगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद नीरज प्रभु जी। या तो बिल्कुल सही, तो इसके लिए प्रूफ प्रोसेस है ये, जैसे कि हम अगर विद्या में विद्यालय में शिक्षा लेने जाते हैं तो हम एकदम से नहीं सोच सकते कि मैं एक साल की पढ़ाई मुझे एकदम पता लगे, तो हम एक प्रोसेस के द्वारा अपनाते हैं कि ऐसी अध्यात्म भी एक अलग करता है। तो अध्यात्म जो है ये भी जो जो प्रोसेस का हम अपनाएंगे तो धीरे धीरे श्रद्धा, श्रद्धा के बाद हम साधु संग करेंगे जो या जो एसोसिएट करेंगे लोगों से, ऐसे जो लाइक माइंडेड पीपल हैं जो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं उनसे एसोसिएट करेंगे, फिर भजन, फिर हम जो जैसा वो कर रहे हैं फिर हम करने का प्रयास करेंगे भजन क्रिया, वो आता है फिर उस प्रकार साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, फिर हमारे अंदर से जो क्लेश है हमारे जो स्वभाव है वो दूर होना शुरू होगा, और जब हमारे अंदर जो मन जो क्लेश प्रभु हम सभी के अंदर जो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो अलग अलग प्रकार की पुनरावृत्ति के जो गलत व्यक्त विचारधाराएं हैं ये दूर होंगी, तब भगवान में जाके श्रद्धा, उस श्रद्धा के माध्यम से हम भगवान को समझ पाएंगे। तो एक प्रोसेस है प्रभु जी, और इसके लिए समय और इसके लिए नियमितता बहुत आवश्यक है। अगर नियम से हम चर्चा सुनेंगे भगवान की और नियम से अगर हम ऐसे संग ऐसे सत्संग का में भागीदार होंगे जहाँ पे वैज्ञानिक स्तर पे भगवान के बारे में समझाया जा रहा है, ऑर्थोडॉक्सिज्म के रूप में नहीं प्रभु, वैज्ञानिक स्तर पे पूर्ण प्रश्नोत्तर के माध्यम से, हम प्रश्न का समय रखते हैं ताकि प्रश्न करें आप, वैज्ञानिक स्तर पे जब तक आप नहीं समझ लेंगे तब तक भगवान में श्रद्धा नहीं हो सकती। तो आप हमारे साथ बने रहें आगे वाले सत्रों में, आपसे यही विनती है प्रभु। हाँ जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हमने आपने अभी आस्था श्रद्धा की बात की, तो लोग बोलते हैं विश्वास रखना चाहिए, एक शब्द है विश्वास, एक है अंधविश्वास, तो क्या अंधविश्वास और विश्वास दोनों एक ही चीजें हैं, या अंधविश्वास को अच्छी सेंस में बोलते हैं या बुरी सेंस में बोलते हैं, ये मेरा प्रश्न है, इसका हमें थोड़ा व्याख्या कीजिए। थैंक यू, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है। ठीक उतना ही अंतर है माता जी जितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी बात को समझना और किसी चीज को किसी ने कह दिया और सुन लेना और समझ लेना, उसमें अंतर होता है। तो मैंने एक बात और भी कही आपको कि भगवान का जो विषय है ये एक वैज्ञानिक विषय है, ये ऐसा आध्यात्मिक अध्यात्मिकता का कोई भी विषय हो उसमें आप जब तक किसी हर प्रश्न का उत्तर नहीं समझ लेंगे तब तक वो विश्वास अंधविश्वास बना रहेगा। लेकिन विश्वास रख के जो श्रद्धा है, पहली सीढ़ी जो श्रद्धा है उसमें हो सकता है कि आपको ना, लेकिन एकदम से आपको रिजल्ट ना दिखे, श्रद्धा रख के कि नहीं भगवान है, भगवान संबंधित शास्त्र है, शास्त्र ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है, ये रख के अगर आप आगे बढ़ते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप आध्यात्मिकता को समझने का प्रयास करते हैं भक्तों के संग में, तो आपके जीवन में आंखों के सामने जो घटनाएं घटेंगी तो वही आपका विश्वास और मजबूत करेंगे। जब तक वो घटनाएं नहीं घटती हैं, क्योंकि हमारा प्रोसेस क्या है कि अगर हम किसी भक्तों के संग में कार्यरत नहीं होते या कहीं पर अपने विचार से ही आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है। अंधविश्वास किसी तरह से भी आपका उत्थान नहीं कर सकता। अंधविश्वास होना अर्थात किसी बात की वैज्ञानिक स्तर पर जानकारी ना होने के बराबर है, ना होना, तो वो अंधविश्वास होगा। उसी इसलिए किसी चीज की जानकारी अगर आपको रखनी है, भगवान है तो मुझे स्पष्ट करिए कैसे भगवान है, वैज्ञानिक स्तर पे आप मुझे बताइए कैसे भगवान है, तो हम यहाँ पर हैं, भगवत गीता है, भगवान स्वयं ने बताया है और उसी चीज की हम चर्चा करते आ रहे हैं कि विश्वास है तो आप इस चीज को आप समझें, अपने जीवन में उतारें। हमारे जैसे कई ऐसे जीवन ऐसे लोग जी रहे हैं जो भगवान कृष्ण के नाम का सहारा लेके अपने जीवन को चला रहे हैं, क्या उनके जीवन में अनुभव नहीं हो रहे होंगे? हो रहे हैं, तभी वो टिके हैं। मुझे खुद टिके हुए 20 साल से ऊपर हो गया, तो मैं खुद वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्राणी हूँ, मैं समझता हूँ। तो हम सभी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक विषय को समझना चाहिए, एक अगर हम उस तरह समझेंगे तो हमें विश्वास हमारा मजबूत होगा और अंधविश्वास से बचे रहेंगे। तो आपका मतलब कहने का ये कि अंधविश्वास अच्छी सेंस में नहीं इस्तेमाल होता। जी, अंधविश्वास अंधविश्वास जब अंध बन जाता है जब उसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद आपको अपने प्रश्न किए।
और कोई प्रश्न किसी का? किसी प्रकार का कोई प्रश्न इस सत्र से लेके या पिछले सत्र से लेके, कोई भी आपके मन में कोई दुविधा हो जो आप डिस्कस करना चाहते हो, या कुछ किसी प्रकार कोई और? यदि समय है और कोई और कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा तो मैं पूछना चाहूंगी। हाँ, सबसे पहले सत्र में आपने एक बार बताया था कि जब जन्म होता है तो बच्चा माँ के गर्भ में प्लास्टिक की थैली में जैसे लटका होता है, उसको कीड़े काट रहे होते हैं। मुझे वो दिमाग में चल रहा है ये कीड़े कौन से होते हैं, मैंने समझा नहीं इस बात को, तो वो मैं चाहती हूँ आप बताएं जरा। देखिए, हम सभी जीव के अंदर थोड़े से बैक्टीरिया कीटाणु हैं, पेट के अंदर सभी के अंदर जीव है। तो माँ के गर्भ में जो स्थिति होती है जीव की, वो उसी प्रकार होती है कि माँ के जो पेट के अंदर जितने बाइल जूस है या यूरिन है या जितने गंदगी है, उसके अंदर जो चूहे हैं वो शरीर में उसको चुभते हैं, उस प्राणी जो अंदर शरीर के अंदर है। हमारी स्थिति ठीक उसी प्रकार वहां पे बताई गई है, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को एयर टाइट कमरे में एकदम कस के बंद कर दिया जाए उल्टा, और गंदगी भरा पानी उसके तरह छोड़ दिया जाए, यूरिन हो, बाइल जूस हो, सब कीड़े पकड़े उसको, और एक पाइप उसके मुंह में डाल दिया जाए, बस 9 महीने उसको कहा जाए तुम्हें इसी में रहना है। तो 9 महीने बाद जब वो दरवाजा खुलेगा उस कमरे का, तो वो रोता चीखता हुआ बाहर निकलेगा, और वही हमारी स्थिति होती है जब उस जठर गर्भ से हम बाहर निकलते हैं। यही यही चीज शिवजी ने कही है, जब मैं आपको दूसरे सत्र में समझाया था, जो श्रीपाद शंकराचार्य हैं उन्होंने इस गर्भ को जठर गर्भ बोला है। उनके संवाद में भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे श्रेणम, जननी जठर, जो जठर गर्भ है माँ की वो आसान स्थिति नहीं है माता जी। 9 महीने की जो स्थिति है वो उस जीव के लिए बड़ी दुखदायी है। और ये भी शास्त्रों वर्णन आता है कि जीव उसमें प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे जठर गर्भ से बाहर निकालिए, मैं बाहर आके आपका भजन करूंगा। वहां से ज्ञान होता है, लेकिन बाहर आते ही माया उसे घेर लेती है, बाहर आते ही वो अलग कार्य में लग जाता है और अपने असल वादे को भूल जाता है। तो वास्तव में ये हमारा जो माँ के गर्भ में जो आपका प्रश्न था, वो 9 महीने की जो स्थिति है वो जीव की, वो जो कीड़े हैं वो माँ के पेट के कीड़े हैं जो उसे काटते हैं अपना, और उन्हीं के बीच में उसे रहना पड़ता है। कोई अच्छी स्थिति नहीं होती है। और अभी तो आप एक ह्यूमन माँ के पेट की बात समझ रहे हैं, किसी मनुष्य शरीर में, पशु शरीर में भी ऐसे ही और दुखदायी स्थिति है जहाँ माँ के गर्भ में स्थिति रहती है बच्चे, तो उसका वर्णन ही क्या है फिर। तो माँ के घर में आना ही बहुत बड़ा दुखदायी है, उससे ही सारे दुखों का शुरू होता है, रोग दोष मृत्यु। मृत्यु तभी होगी जब माँ के घर में आएंगे, माँ के घर में आप पैदा होंगे तभी मृत्यु होगी, तभी रोग लगेगा, तभी तभी बीमारी लगेगी। तो अगर तो ये 4 प्रकार के दुख जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनका दर्शन हमें रोज करना चाहिए, ये शास्त्र वर्णन करते हैं। तो नहीं, तो हमारे कहने का मतलब ये कि हमें जन्म नहीं लेना चाहिए या जन्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कष्टदायी है, दुखदायी है, तो फिर ये संसार कैसे चलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न बताइए आपका। जन्म लेना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल आपका सही विकल्प है कि हम ये जो प्रयास कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हमें हमारे दुखों से छुटकारा मिले, और पहला दुख ही जन्म है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम इस चीज में प्रयास कर रहे हैं कि हम ऐसा कार्य करें जिससे हमें जन्म ही ना लेना पड़े। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है, पहला प्रश्न ही आता है। तो उसके लिए हम अपनी माता के पास जाते हैं। हमारी माता कौन है? शास्त्र। शास्त्र हमें बोलता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपको जन्म ना लेना पड़े, ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसी जगह जन्म मिले जहां कभी फिर आपको मरना ही ना पड़े। वो आगे आने वाले सत्रों में और क्लियर करेंगे हम, लेकिन हमें आपने से प्रश्न किया। तो इन सब कुछ इंसान के कर्म पर निर्भर करता है माता जी। कर्म योग जो चैप्टर है उसमें पूर्ण इसका वर्णन है भगवत गीता में, किस प्रकार का कर्म करने से कैसा फल मिलता है और किस प्रकार कर्म करने से दोबारा जन्म ही नहीं लेना पड़ता, इस संसार के पचड़ों में पड़ना ही नहीं पड़ता है, उसे कहते हैं मोक्ष होना, मुक्ति मिलना। तो मुक्ति और मोक्ष की परिभाषा क्या है, क्या किस प्रकार मुक्ति के की परिकाष्ठा तक पहुंचा जा सकता है, क्या इस मनुष्य जीवन में वो संभव है कि नहीं है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको धीरे धीरे मिलेंगे। जैसे जैसे हमारे साथ बनी रहेंगी आप लेंगे, वो जो भगवत गीता के माध्यम से पूर्ण वैज्ञानिक स्तर पर जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी। जी प्रभु। हरे कृष्ण।
आपका प्रवचन बहुत अच्छी था, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत, आपने सुना और आप बने रहे हमारे प्रवचन, आगे भी बने रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हरे कृष्णा प्रदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। मेरा तात्पर्य मतलब भ्रमित करने का नहीं है, लेकिन अभी पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये जस्ट एक सोचने का दिमाग में बात आई तो मैंने सोचा प्लेटफॉर्म पे रख दूं। जी जी बताइए। हो सकता है किसी और का भी प्रश्न हो या मन में वो भी बात चल रही है, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये तुम जो समझ रहे हो कि तुम भी रहे हो हमेशा और मैं भी रहा हूँ, मेरे भी जन्म हुए हैं तुम्हारे भी जन्म हुए हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि भगवान जो है वो स्वयं एक आत्मा है। यही प्रश्न है आपका कि भगवान आत्मा है कि नहीं? भगवान स्वयं एक आत्मा है और वो वही उसी प्रकार जिस प्रकार अर्जुन एक आत्मा है, और उनमें केवल सर फर्क इतना है कि जो जो आत्मा भगवान कृष्ण की है उसको सब कुछ पता है, और अर्जुन की आत्मा को केवल उस वक्त का पता है जिस वक्त वो उनसे वार्तालाप कर रहा है। अच्छा, तो आपका प्रश्न ये है कि क्या भगवान स्वयं भी एक आत्मा है जिस प्रकार अर्जुन एक आत्मा है? राइट। इसको शास्त्रीय दृष्टिकोण समझते हैं प्रभु। भगवान भगवत गीता वर्णन करते हैं, जन्म कर्म में दिव्यम, मेरे जन्म कर्म बहुत दिव्य है। भगवान का जो वर्णन आता है, भगवान के शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं। वास्तव में जो भगवान का शरीर है वही उनकी आत्मा है, और जो आत्मा है वही शरीर है। जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा, हम शरीर छोड़ देते हैं लेकिन भगवान शरीर नहीं छोड़ते। हमारे शरीर में बढ़ोतरी होती है, हम पहले बचपन होते हैं, फिर बढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बुढ़ापे तक जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन आता है कि उनकी आयु 16 वर्ष से ज्यादा बड़ी नहीं थी जब उन्होंने जन्म लिया था संसार में। 122 साल भगवान कृष्ण धरती पर रहे, 122 साल तक उनकी उम्र 16 वर्ष की रही। मतलब दिखने में वो 16 साल के लगते रहे, ये मतलब उनकी उम्र ही 16 वर्ष की थी। उनका जो स्वभाव था, जो उनकी उम्र जो मतलब जो शरीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उम्र के साथ परिवर्तन आते हैं, झुर्रियां पड़ती हैं प्रभु जी, या बाल सफेद हो जाते हैं, तो उन्होंने समय यहाँ जरूर बिताया लेकिन 16 वर्ष से आगे बढ़े नहीं। उसी प्रकार उनके भक्त भी बन जाते हैं। हाँ वही मतलब जो उनकी भक्ति में लगते हैं उसी प्रकार उनके भक्त। तो यहाँ जो आपका प्रश्न था कि भगवान की आत्मा, भगवान आत्मा और शरीर दोनों उनका समावेश, भगवान के शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अर्जुन की आत्मा और शरीर में अंतर है। इसे भगवान ने उसको समझाया, तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं तो, लेकिन भगवान ने जन्म लिया उनका वही शरीर वही स्वभाव और आत्मा भी वही थी, और लेकिन अर्जुन के बार बार बदलते रहे। अर्जुन का और भगवान का एक जन्म नर और नारायण के रूप में भी भरा जाता है कि नारायण रूप में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, और नर रूप में स्वयं अर्जुन आए थे, उन्होंने तपस्या करी थी बद्रिकाश्रम में। तो जो पहाड़ आप देखते हैं वहां पर बद्रिकाश्रम, वहां पर नर नारायण पर्वत कहे जाते हैं। नर नारायण के रूप में जो उन्होंने तपस्या करी, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने भेजा, अप्सराओं को भेजा। तो भगवान इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने अपनी जान से मेनका को उत्पन्न कर दिया कि तुम मुझे भंग करने जा रहे हो, लो मैं तुम्हें एक और अप्सरा दे देता हूँ। तो अपनी शक्ति में ये मैंने छोटी सी संवाद इसलिए प्रस्तुत किया क्योंकि तो भगवान में शक्ति जो थी, वो भगवान की शक्ति जन्म के लिए निर्भर नहीं है, कर्म पे निर्भर नहीं है, और समय पे निर्भर नहीं है। भगवान समय से परे हैं, कर्मों से परे हैं, और जन्म से परे हैं, लेकिन है, जीव हाँ, नहीं। हाँ ठीक है, तो मतलब मन में आया तो मैं हम नेक्स्ट लेवल पे ये था कि जब बैकुंठ धाम में ये मतलब हो सकता है कि ये प्रश्न उचित ना हो इस समय, तो मैं बाद में भी पूछ सकता हूँ। नहीं नहीं, प्रश्न हमेशा उचित रहते हैं, पूछे प्रश्न पूछ के। अब जैसे अंतिम चरण जो है, जब माता जी ने भी कहा कि हम जन्म और मृत्यु का में ना होते संसार कैसे चलेगा, तो संसार खुद एक क्षण भंगुर है, उसको हम आगे भी समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आत्मा वैकुंठ में पहुंचेगी भगवान कृष्ण, तो वो कृष्ण हो जाएगी, क्योंकि उसका ना तो मृत्यु होगी ना जन्म होगा, वो कृष्ण की हो जाएगी। मैंने कहा कृष्ण मैं हो जाएगी, मैं हो जाएगी, कृष्ण मैं या कृष्ण की, इसे कहते हैं गॉड्स। मतलब कि अगर आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएं, यानी कि वी बिकम द प्रॉपर्टी, हम भगवान की प्रॉपर्टी बन जाएंगे, हम भगवान नहीं बनेंगे। वो
भगवान की प्रॉपर्टी होना, भगवान के समूह में उन्हीं के जैसा ही बन जाएंगे, हम कृष्ण किए हो जाएंगे, कृष्ण जैसे नहीं बन पाएंगे वैकुंठ में, वहां भी हम सेवा में रहेंगे। मतलब तात्पर्य वो था कृष्णमय, कृष्णमय हो जाएंगे। तो उस वक्त जो जो उस वक्त ना ना कोई उसकी ठीक है। और जी वही प्रभु उसका बताइए, आप जब वैकुंठ में आप जब मतलब वो तो बहुत दूरी परिसर है, अभी हम उसको उस लेवल पहुंचने का प्रयास। मैं उसी उसी मतलब से कह रहा था कि शायद वो ये जगह नहीं है मेरे को अभी वो प्रश्न करने की, हम आगे आगे। अच्छा गया प्रश्न के लिए तो कोई जगह नहीं होती, आपने प्रश्न किया बहुत अच्छा लगा मुझे, प्रश्न भी आपने किया अच्छा किया है, लेकिन अभी के लिए बस समझना ये समझिए कि अगर जब हमें ये अगर हमने शास्त्रों के अनुसार जीवन जिया या जो हम ये सत्र चला रहे हैं भगवद गीता के आत्मदर्शन का, इसमें अगर आप बने रहे तो धीरे धीरे हम उस स्टेज तक पहुंचेंगे जब हम भगवान के विषय को समझ सकते हैं और गहराई से और अच्छे से और वैज्ञानिक स्तर। हाँ मेरा उसको हम अच्छे से डाल सकते हैं। हाँ प्रभु तात्पर्य इसलिए था कि रविंद्र जी का भी प्रश्न इसमें मिला के, मतलब अभी जो हमें जब जितना हमें अनुभव होगा उतना हमारा विश्वास बढ़ेगा, उतना विश्वास बढ़ेगा उतनी आस्था बढ़ेगी, तो ये डिस्कशन का मतलब था यहाँ पे जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप प्रभु, आई थिंक वी आर गुड। धन्यवाद बहुत बहुत। और कोई प्रश्न किसी का? अगर नहीं है तो हम लोग अपनी कथा को ही विराम देते हैं, और आप सबका इस सत्र में जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे बीच में और हमारे साथ बने रहिए। कीर्ति माता जी, प्रांजलि माता जी, अनिकेत प्रभु, अनीता माता जी, लाल गोपाल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ हैं। नमिता माता जी, नमिता जी, नारायण प्रभु, नीरज प्रभु, पद्मभाषा प्रभु, रविंद्र किशोर प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ बने रहे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीबॉडी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।